नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, जीवन में उत्तम सुख प्राप्त कर रहे होंगे। आप सभी कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। आप सभी का नव वर्ष बहुत सुंदर, बेहतरीन जाए और आपकी सभी मन की इच्छाएं पूरी हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। बात करते हैं 30 दिसंबर 2018 की भविष्यवाणी की। आपका आज का यह दिन कैसा जाएगा सभी कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए? तो शुरुआत करते हैं पंचांग से। सूर्य उदय होगा 7:17 पर, सूर्यास्त होगा 5:29 पर। तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष, नक्षत्र रहेगा हस्त और योग रहेगा अतिगंड। वार रहेगा इतवार, वैदिक ऋतु रहेगी हेमंत और आज का शुभ और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:04 से 12:44 तक। और आज आपको एक और सुंदर, बेहतरीन, शुभ योग मिल रहा है, वह है सर्वार्थ सिद्धि योग। इसका समय रहेगा 7:17 से 8:25 तक सुबह। और आज का अशुभ समय रहेगा यानी राहु काल 16:13 से 17:29 तक। तो अभिजीत मुहूर्त और सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कर सकते हैं सभी शुभ काम और अपने मन की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और राहु काल में कोई शुभ काम भी नहीं करना है और अपनी दैनिक दिनचर्या को भी बड़ी सावधानी से बिताना है। आज के दिन चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे और चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। अष्टम भाव को कुंडली में अच्छा घर नहीं माना जाता है। यहां पर चंद्रमा को अष्टमेश का दोष लगता है या नहीं, इस पर ज्योतिष के जानकारों के अलग अलग विचार हैं, तो इस विषय पर चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे कि चंद्रमा को अष्टमेश का दोष लगता है या नहीं। जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 30 दिसंबर को कन्या राशि के चंद्रमा क्या फल देने वाले हैं। आज के दिन 8वें भाव का चंद्रमा आपको बहुत अधिक अशुभ फल नहीं देगा। आज के दिन आप अपने सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे। काम में आपका मन लगेगा, शारीरिक व मानसिक तौर पर आप अच्छा अनुभव करेंगे। आज के दिन यदि कोई बड़ा बुजुर्ग घर का या बाहर का, लेकिन जिसको आप जानते हैं, उनसे आशीर्वाद के रूप में कोई भी चीज मिलती है तो उसको स्वीकार अवश्य करें। वह वस्तु छोटी हो बड़ी हो इस बात से मतलब नहीं है। यदि किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलता है तो उसे अवश्य ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लें। वैवाहिक जीवन आनंद में बीतेगा। आज आप घर के सभी अधूरे काम पूरे कर लेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ बढ़िया समय बीतेगा। आज आपको अपने मन, मस्तिष्क और जुबान को काबू में रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए आज आप योग प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। आज आप अपने दिल को बहलाने के लिए, मन को बहलाने के लिए टीवी देखना, कोई खेल कूद में पार्टिसिपेट करना, बच्चों के साथ या घर के भाई बंधुओं के साथ समय बिताकर अपने दिल को, मन को हल्का करेंगे और जो भी कुछ चिंता परेशानियां हैं उनको भूलने का प्रयास आप स्वयं करेंगे। आज आप समझदार व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे और स्वयं ही कोशिश करेंगे अपने कष्टों को दूर करने की। और यदि आज आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं, योग प्राणायाम का सहारा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप मन, मस्तिष्क और शरीर से स्वस्थ रहेंगे। आज के दिन आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। आज आप किसी पर भी दबाव बनाकर अपने काम को करने को ना कहें, चाहे वह आपकी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, घर के सदस्य हो, पास पड़ोस के लोग हो या फिर आपके ऑफिस के लोग हो, व्यापार से जुड़े लोग हो, जिनकी छुट्टी हो और आप उनको कोई ऐसा काम सौंप दें
जिसको वह ना करना चाहते हो लेकिन आपके दबाव में वह करें, तो ऐसा मत करिएगा। या तो काम स्वयं कर लीजिएगा या किसी और दिन उनको सौंप दीजिएगा जिस दिन वर्किंग डे हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। नंबर दो, आज आपके परिवार के लोग आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी पूरी बात सुने, उन पर हावी ना हो, उनकी बात को इग्नोर ना करें। ऐसा करने से आगे आने वाले समय में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नंबर तीन, जीवन साथी बच्चों के साथ आप समय बिताएं, उनके लिए कुछ वक्त निकालें, क्योंकि बड़े समय से आप कुछ काम के सिलसिले में, यात्राओं में बिजी थे, व्यापार में बिजी थे, तो यह समय है उनके साथ समय बिताने का और उनके साथ आनंद लेने का। नंबर चार, घरेलू फैसले हो, नौकरी से जुड़े फैसले हो, व्यापार से जुड़े फैसले हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो, तो उसके लिए परिवार के बड़ों का आप साथ मांग सकते हैं या फिर किसी सलाहकार की सलाह ले सकते हैं, या फिर एक नहीं दो बार तीन बार सोच विचार कर उस पर फाइनल निर्णय ले सकते हैं। तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा। यदि आप इतनी सावधानियों का ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पे 30 दिसंबर 2018 आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और अभी जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, उस उपाय को करने से हर प्रकार की शत्रु बाधा, ग्रहों की बाधा दूर होगी और निश्चित तौर पे आज के दिन आप सुखद अनुभव कर पाएंगे। चंद्रमा की पोजीशन 8वें भाव में खराब है, लेकिन आज चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा अशुभ फल नहीं दे रहे हैं। थोड़े बहुत जो अशुभ परिणाम है उनको इस उपाय से आप दूर कर पाएंगे। उपाय नंबर एक, आज के दिन आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी है, उससे दिन का शुभारंभ करना है। अपने घर की किसी भी महिला का या आस पड़ोस की किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। उपाय नंबर तीन, आपको महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जप अवश्य करना है और संभव हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। निश्चित तौर पे आप सारे ज्ञात अज्ञात शत्रु और बाधा से मुक्ति पा सकेंगे। इसके साथ साथ रात्रि के समय दूध का सेवन ना करें, दोपहर के समय दूध का सेवन ना करें। यदि दूध पीने की आवश्यकता है, इच्छा है, तो दूध में कोई चीज मिलाकर पी लें, फ्लेवर्ड मिल्क पी लें, लेकिन सादा दूध ना पिएं, सफेद दूध ना पिएं। उसमें किसी भी प्रकार का जो भी आपको पसंद हो उसको मिलाकर पिए तो निश्चित तौर पे आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन सफेद दूध ना पिए। रात्रि के समय बंगाली मिठाई का प्रयोग ना करें। यदि आप इतना सब कुछ कर लेते हैं उपाय के तौर पे, तो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन जाएगा और आपके सभी मन चाहे काम पूरे हो सकते हैं। तो 30 दिसंबर 2018 आप सभी का शुभ जय। हरिओम, नमस्कार।